स्टूडेंट यू आर वेलकम इन अवर एस एस सी क्लास आई एम माधुरी वरदा जैम योर एस एस सी टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 10 इन चैप्टर नंबर 10 टुडे अवर टॉपिक इज मेन्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट मेन इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट जो मेन है वो हमारे एनवायरनमेंट का इंटीरियर पार्ट है मतलब आंतरिक हिस्सा है अर्लियर मैन कम्प्लीटली डिपेंडेड अपॉन हिज एनवायरनमेंट जो एलिमेंट थे वो पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे बट मॉडर्न मैन हैज़ बीन एबल टू चेंजेस हिज एनवायरनमेंट परंतु आजकल की दुनिया में जो मॉडर्न मैन है वो एनवायरनमेंट को चेंज करने पर तुला हुआ है एज पर हिज नीड उसकी आवश्यकता के अनुसार मैन हैज प्लेड अ ड्यूल रोल ऑफ बीइंग अ डेवलपर एज वेल एज अ पोल्यूटर जो मैन है वो डबल रोल प्ले कर रहा है और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है मैन हैज रूथलेसली यूज्ड टू रिसोर्सेस टू फुलफिल हिज डिजायर दिस हैजार्ड एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन वो ओवर ही कर लेता है एंड लीड टू द एनवायरनमेंट पोल्यूशन यही कारण बनता है कि जो मैन है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है पोल्यूशन फैला रहा है द अनवांटेड एंड हार्मफुल एजेंट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट कॉजेज द एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो हार्मफुल एजेंट है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं यही पोल्यूशन का कारण बनते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल केमिकल जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो आर्टिफिशियल केमिकल है वो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं परंतु ये इसके लिए हार्मफुल भी है दिस लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इसी के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन है उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है लैंड डिग्रेडेशन इज द रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द लैंड लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है जो लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होना सिमिलरली एक्सेसिव व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल emissions have lead to increases in the carbon dioxide and harmful gases in the atmosphere मतलब कि atmosphere में जो gases है वो harmful है this has lead to the global warming यही कारण बनती है global warming का increases in average temperature और धीरे धीरे इसका जो average temperature है वो बढ़ते जा रहा है earth atmosphere और earth का जो atmosphere है वो भी बढ़ते जा रहा है All these causes various health problem. ये सारी जो चीज़ यही मेन जो कारण है वो हेल्थ की प्रॉब्लम का कारण बनती है Thus, it is necessary for us. और यही आवश्यक है हमारे लिए बी अवेयर कि हम इसके प्रति अवेयर रहें एंड सेंसिटिव और संवेदनशील रहें अबाउट वेरियस प्रॉब्लम के लिए फेसेस बाय द आवर एनवायरनमेंट जो कि हम अपने एनवायरनमेंट के द्वारा फेस कर रहे हैं शुड ट्राई टू अचीव अ नियर परफेक्ट बैलेंस और हम एक परफेक्ट बैलेंस बना सकें बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए इट इज़ प्राइम नीडेड ये हमारी प्राइम परम आवश्यकता है ऑफ द टाइम टाइम की आवश्यकता है दैट ह्यूमन शुड लर्न टू लिव एंड यूज ऑफ एनवायरनमेंट इन द हार्मोनियसली कि हम इस एनवायरनमेंट में रहें और इसको सही तरीके से यूज़ करें सो दैट द फर्दर डिस्ट्रक्शन इज अवॉइडेड ताकि जो डिस्ट्रक्शन है वो अवॉइड हो सके इसके बाद हम देखेंगे हमारे कुछ क्विक रिव्यू में हम देखेंगे ऑल दोज थिंग्स दैट आर नेचुरली एग्जिस्टेंस अराउंड अस टुगेदर कॉल्ड द नेचुरल हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो कि हमारे चारों ओर एक साथ हैं उन सबको नेचुरल एनवायरनमेंट कहा जाता है द बायोटिक एंड द एबायोटिक एलिमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट जो ऊपर वाली जो परत है सॉलिड क्रस्ट टॉप लेयर उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर बॉडी जो वाटर बॉडी से बनी रहती है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती है द एटमोसफियर
थिन लेयर, जो एटमोसफेयर है वो पतली लेयर है गैसेज एंड सराउंडिंग, क्योंकि गैसेज से मिलकर के बनी है। वैरायटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।